हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी आईक्यू आई एम प्रांची सूद एंड इन टूडेज लेक्चर वी कन टॉक अबाउट द टॉपिक डीएनए एन प्रोटीन्स जीन कि डीएनए क्या होता है जो हम बात करते हैं डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कैसे बनता है इसकी प्रोसेस क्या है फर्दर ये कैसे जीन्स को इन्हेरिट करता है जनरेशन टू जनरेशन सो विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर साथ ही प्रोटीन्स क्या हैं किस तरह से ये प्रोटीन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर और जीन्स क्या हैं जो कि हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का तो वो होता क्या है वो कैसे बनते हैं कैसे इनहेरिट होते हैं सो इन चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सो ये डीएनए एंड प्रोटीन का कॉन्सेप्ट जो है वो बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ तो जब सो so, जब हम एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में इस टॉपिक को कवर करते हैं तो हम इस टॉपिक को बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेजर ब्रांचेस तो वहाँ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इस फील्ड के अंडर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं सो लेट्स बिगिन सो स्टार्टिंग विद डी एन ए डी एन एज डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसको कंसिडर किया जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स सो ये जो डीएनए है ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है सेल में हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो उसे हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं और अगर डीएनए

ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो भी उसकी फिजिकल या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करता है और वो पास ऑन कर देता है जनरेशन टू जनरेशन जिसकी वजह से हम एक जनरेशन uh, के बीच में रिलेशन जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं सो so, जो डी है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था जर्मन बायो फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने एटीन में फ्रेडरिक मिशर ने डी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और जो इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइम वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम के जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने स्टडी किया था और डिस्कवर किया था डीएनए स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक का एक बहुत ही फेमस डीएनए मॉडल रह चुका है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था और उनका जो स्टडी है डीएनए स्ट्रक्चर का वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी सो so, उसको उस स्टडी को कहते हैं वॉट्सन क्रिक मॉडल ऑफ़ डीएनए स्ट्रक्चर Now moving on next to let's talk about the structure of DNA. So DNA का structure इस तरह से बनता है कि जो DNA है वो double helical structure है मतलब DNA दो chain से बनता है जो कि आपस में rolled and twist होती हैं और double helical helical shape में आप इस picture में देख सकते हैं rolled and twisted एक structure है जिसे हम double helical structure कहते हैं और जो DNA का structure है वो nucleotide से बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स कंप्राइजेस ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस पेयर्स सो शुगर जैसे नाम में डी एन ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो डी ऑक्सी एक शुगर है डी ऑक्सी राइबोज नाम की शुगर ये डी एन ए का मेजर कॉम्पोनेंट है सो so एक शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फेट ग्रुप है वो डी एन ए की बैकबोन फॉर्म करती है After this there are four type of nitrogen bases present in DNA that are adenine thymine guanine and cytosine these four type of base pairs paired together with each other and forms the third component of the DNA structure as you can see in this picture that adenine base pair is joined with the thymine cytosine is paired with the guanine so ye इस तरह से आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सो so ये जो बेस पेयर्स हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं एक चेन पे बेस पेयर्स होते हैं वो दूसरी चेन के बेस पेयर से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइंड होते हैं सो so जो ये नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग है इसे हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं प्यूरिन एंड पिरेमिडिन में प्यूरिन होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन की पेयरिंग पिरेमिडिन साइटोसिन एंड थायमिन की पेयरिंग सो so, ये प्यूरिन एंड पिरेमिडिन जो हैं बेसिक नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट मेजर कॉम्पोनेंट हैं डी एन ए स्ट्रक्चर के जो दो स्ट्रैंड्स है डी एन ए की द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन ए ऑपोजिट टू ईच अदर दो स्ट्रैंड्स जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों एंटी एंटीपैल डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो डीएनए है आपस में कॉयल करता है डी एन ए इज़ अ लॉन्ग चेन जो कॉयल हो जाती है और क्रोमोजोम फॉर्म करती है हर एक क्रोमोजोम में सिंगल डी एन ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है डी एन ए प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिविजन जब सेल डिवीजन होती है लास्ट लेक्चर में हमने सेल डिवीजन की बात करी थी वहाँ क्रोमोजोम डिवाइड हो रहा था क्रोमोजोम के साथ साथ डीएनए भी डिवाइड हो रहा था सो so, डीएनए जो है सेल डिवीजन के टाइम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज डी एन ए इज़ कंसिडर्ड एज द हेरिडिटरी मटीरियल सो डिवीजन के टाइम सेल डिवीजन के टाइम यस सेल सब्सटेंस जो पास हो रहा है जो भी मटीरियल पास ऑन हो रहा है तो उस टाइम पे डी एन ए जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस सारी प्रोसेस के अंडर ना मूविंग ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज की ये जो डी एन ए है ये फर्दर डिवाइड कैसे होता है अब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए है फर्दर डी डिवाइड क्यों होता है कैसे होता है क्योंकि देर आर नंबर ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल्स प्रजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी सो ये जो डिविजन है ये किस बेसिस पे होती है और कैसे होती है सो ना लेट्स टॉक अबाउट डी एन ए रेप्लीकेशन सो डी एन ए रेप्लीकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें डी एन ए अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है जो सेल्फ रेप्लीकेशन है लाइक like, अपनी सिमिलर कॉपीज बनाता है बिल्कुल अपनी तरह सिमिलर कॉपीज जो है वो फॉर्म करता है मल्टीपल कॉपीज़ ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन लाइक पॉलीमराइजेशन होता है कि एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग कॉपीज़ बनना पॉलीमर मतलब लंबी चेन बनना एंड ये जो प्रोसेस है ये तीन बेसिक स्टेप्स में बनती है दैट इज़ इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इस प्रोसेस के थ्रू जो, जो मेजर एंजाइम है जो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को कॉज करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दिस इज़ द चीफ एंजाइम दैट कॉज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो डीएनए की दो चेन्स हैं वो आपस में पहले कॉल्ड है बाद में वो सेपरेट आउट हो रही हैं सो so, यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड है वो जॉइन अप हो रही है और नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए की चेन्स जो हैं वो डिफरेंट सेपरेट आउट होके अलग चेंज जो है फॉर्म हो रही है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोसेस, सो जो रेप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग होती है इनिशिएशन प्रोसेस से, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेप्लीकेशन प्रोसेस इज इनिशिएशन इनिशिएशन तब स्टार्ट होती है जब डीएनए की चेन में एक पर्टिकुलर ओरिजन ऑफ रेप्लीकेशन ओ आर आई ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन पहले मार्क किया जाता है वहाँ से रेप्ली रेप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन मार्क करने के बाद जो दो चेंज हैं डीएनए की वो अनवाइंड हो जाती है सेपरेट आउट होने लग जाती हैं बट इस सेपरेट आउट या अनजिपिंग ऑफ दो चेन्स की ये जो है बहुत ही एनर्जी इनपुट मांगती है एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है सो so, इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है दैट इज़ पॉलीमरेज एंजाइम जो कि अनबाइंडिंग या सेपरेट या ओपनिंग ऑफ जो डीएनए एन चेंज है उसमें हेल्प करता है दैट इज़ एंजाइम पॉलीमरेज सो ये इनिशिएशन होगी सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मार्क किया उसके बाद एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है बहुत ज़्यादा इसलिए डीएनए का जो एक एंजाइम है पॉलीमरेज वो हेल्प करेगा वहाँ पे कैटेलाइज करेगा दोनों चेंज का रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करेगा और दोनों चेंज को सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा सो दिस इज इनिशिएशन। मूविंग ऑन इलोंगेशन नाउ इन इलोंगेशन जैसे जैसे अब अनवाइंडिंग होती जा रही है तो साथ ही साथ जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो अनवाइंडिंग के होने के बाद जो चेन्स सेपरेट हो रही है उनके कॉम्प्लीमेंटरी दूसरी चेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेन विल ऑलवेज टेक प्लेस इन यूनी डायरेक्शन देट इज़ फाइव डैश टू थ्री डैश ये हमेशा फाइव डैश टू थ्री डैश ही फॉर्म होगी सो एक स्टैंड पे जो न्यूली फॉर्म चेन है वो कॉन्टीन्यूस होगी और जो दूसरे स्टैंड पे है वो डिसकॉन्टीन्यूस होगी लाइक थ्री डैश टू फाइव डैश है उसके ऑपोजिट जो चेन बनेगी फाइव डैश टू थ्री डैश वो डिसकॉन्टीन्यूस होगी तो डिसकॉन्टीन्यूस चेंज जो है वो बाद में ज्वाइन की जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओकाज़ाकी की फ्रेगमेंट्स ये ओकाज़ाकी की फ्रेगमेंट्स ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो कि अन जो टूटी हुई चेन है उसको जोड़ देते हैं एंड में और जो ये ओकाज़ाकी की फ्रेगमेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए लाइगेस डीएनए लाइगेस ऐसा एंजाइम है जो कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डिसकॉन्टिन्यूस चेन में जाके जोड़ कर दे जोड़ देता है लाइगेट कर देता है दोनों और जिस वजह से जो डिसकॉन्टीन्यूस चेन है वो भी कॉन्टीन्यूस चेन में कन्वर्ट हो जाती है इस वजह से एंड में दो चें्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज बन जाती हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के डॉटर स्टैंड डॉटर स्टैंड है जो न्यूली फॉर्म चेंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री चें जो बाद में फॉर्म हुए वो टेम्पलेट स्टैंड के साथ ज्वाइन होकर दो सेपरेट डीएनए सीक्वेंस फॉर्म कर देती हैं नाउ द थर्ड प्रोसेस इज टर्मी टर्मिनेशन टर्मिनेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंटली एक्ट करती है लाइक like, अब दो डिफरेंट डी एन चेंज जो हैं वो फॉर्म हो चुकी हैं तो टर्मिनेशन एंड में अक्कर होगी वो खत सेपरेट uh, आउट हो जाएंगे और दो डी एन चेंज फॉर्म हो चुकी हैं नाउ बेसिक एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डी एन ए रेप्लीकेशन प्रोसेस आर डी एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज द चीफ एंजाइम दैट कॉजेज द डी एन ए रेप्लीकेशन मूविंग ऑन हेलीकेस हेलीकेस एक ऐसा एंजाइम है जो अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स करती है जो अन दो जो दो चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं उनको सेपरेट आउट करती है डीएनए एन एंजाइम इसके बाद डीएनए लाइगेस ए लाइगेज ओकाजा के फ्रेगमेंट जो डिसकॉन्टीन्यूस चेन में जाके जुड़ते हैं वो डी एन लाइगेस की हेल्प से जुड़ते हैं डी पॉलीमर ये ऐसा एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है डीएनए चेन को पॉलीमराइजेशन को कॉज करता है और स्टार्ट करता है इनिशिएशन करता है रेप्लीकेशन की सो दीज आर द सम बेसिक इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन सो दिस वॉज अबाउट डी एन एंड स्ट्रक्चर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज प्रोटीन प्रोटीन एंड हाउ दे गेट फोर्म नाउ बेस्ड ऑन सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा इज अ सीक्वेंस और वी कैन से इट इज अ प्रोसेस that leads to the formation that leads to the step various step that forms proteins from dna like dna first replicates and make multiple copies of itself then that dna transcribes into rna by the process of transcription now rna get translated into proteins amino acids and that amino acid chain causes, uh, forms the proteins so this is a sequence the dna forms the dna dna then transcribes into rna and rna then translates into amino acid through the process of translation and that amino acid chain forms the proteins so this sequence is known as central dogma so what is translation now translation is a process by which the protein synthesis takes place सो प्रोटीन अकस बाय द एम आर एन एम आर एन ए इज़ ए मैसेजर आ रए एज वी टॉक्ड अबाउट डी एन ए दैट इज़ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड सिमिलरली वी हैव अदर न्यूक्लियक एसिड दैट इज रबो न्यूक्लियक एसिड सो रबो न्यूक्लिक एसिड का फर्दर पार्ट है एम आर एन ए टी आर एन ए सो जो आर आर एन एंड दैट इज मैसेंजर आ रएन ए ट्रांसफर आर एन ए एंड रोजोमल आ रहे सो so, जो एम आर एन ए है वो मेसेंजर आर एन ए होता है मिसेंजर आर एन ए इन देंस इट कंटेन्स बेसिक कोडोन कोडोन इज दीक्वेंस ऑफ थ्री बेस पेयर्स दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड सो एम आर एन ए ऐसा कोड लेके आता है जो कोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन को जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करती है दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन प्रोसेस

उन्हें अमीनो एसिड चेन में फॉर्म कर देती है और जो ये चेन है उसमें अमीनो एसिड पेप्टाइड बोंड्स के थ्रू जुड़े होते हैं सो so, जो ये पेप्टाइड बोंड्स के थ्रू अमीनो एसिड जुड़े होते हैं इस अमीनो एसिड चेन को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं यहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना जो तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करती है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है सो so, ये एनर्जी है टी आर एन ए से प्रोवाइड की जाती है ट्रांसफर आर एन ए द अदर टाइप ऑफ आर एन एट दैट इज टी आर एन एट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन सो इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड है जैसे टी आर एन ए का होना अमीनो एसिड अमीनो एसिड चेंज का बनना सो so ये जो सारी मशीनरी है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है सो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो राइबोसोम्स के अंडर प्रोसीड करती है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें टी आर एन ए के बारे में भी पता हो ट्रांसफर आर एन ए के बारे में अब डी एन ए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है एम आर एन ए में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो डी एन ए में सीक्वेंस है उस बेसिस पे एम आर एन ए उससे बनता है जो एम आर एन ए है फर्दर कोड करता है अमीनो एसिड को बट जो अमीनो एसिड्स हैं वो कोडोन को रीड नहीं कर पा, पाते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस जो कोडोन को रीड करे मॉलिक्यूल so, होता है टी आर एन ए ट्रांसफर हैं अब यूनिट्स है, के बनते हैं लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट्स में दो टी आर एन ए एक साथ प्लेस्ड होते हैं और ये दोनों टी आर एन ए मॉलिक्यूल जो हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस को रीड करते हैं जो भी अमीनो एसिड सीक्वेंस उनके पास आता है थ्रू एम उसको उनको रीड करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन बनाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है एक टी आर एन ए पहले रीड करता है कोडोन को वो पास ऑन करता है दूसरे टी आर एन ए में अब ये पहले टी आर एन ए के पास एक और सीक्वेंस आ जाता है अब इन दोनों सीक्वेंस में कोडोन्स के बीच में एक लिंक फॉर्म हो जाता है जिसे कहते हैं पेप्टाइड बोन और धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना शुरू हो जाती है अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके पास अपना एक टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है हर एक अमीनो एसिड का अपना टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है एक टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड के साथ रिलेट करके इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन करता है मतलब स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस और एक का ऐसा आ जाएगा जिसे स्टॉपिंग का कहते हैं वो इनिश... इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है इस पिक्चर में आप सब सक, देख सकते हैं जो टी आर एन ए मॉलिक्यूल है ये इस तरह से दिखता है ये बेसिकली एल शेप्ड होता है इसमें एक एंड पे अमीनो एसिड रिसेप्टर होते हैं और दूसरे एंड पे एंटीकोडोन होते हैं जो भी अमीनो एसिड टी आर एन ए के साथ रिलेट होता है अमीन टी आर एन ए में जो एंटीकोडोन है वो उस अमीनो एसिड सीक्वेंस के ऑपोजिट एक एंटीकोडोन सेट कर देता है मतलब जो भी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड टी आर एन ए मोलिक्यूल के पास आ रहा है टी आर एन ए मोलिक्यूल में जो एंटी कोडोन है ये वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उस कोडोन को दे देता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है नाउ जो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं उनमें एक सब यूनिट जो लार्जर सब यूनिट है वो एक टी आर एन ए के साथ अटैच्ड है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो दूसरे टी आर एन ए के साथ अटैच्ड है सो so, ये दोनों सब यूनिट्स जो आपस में अटैच्ड है वो टी आर एन ए दोनों टी आर एन ए के लिंक से अटैच्ड है सो so, दोनों टी आर एन ए एक साथ ही प्लेस्ड होते हैं राइबोसोम स्ट्रक्चर में एक टी आर एन ए मॉलिक्यूल जो है वो एम आर एन ए को लेके आ रहा है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टी आर एन ए मॉलिक्यूल है ये एम आर एन ए लेके आ रहा है इसमें कोडोन है ए ए जी और साथ जो कि अमीनो एसिड के साथ भी अटैच है सो ये टी आर एन ए मोलिक्यूल पहले स्मॉलर सब यूनिट से एंटर होगा और और वहाँ पे जो ये ए ए जी कोडोन है इसके पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन सेट होगा ए ए जी कोडोन का एंटी कोडोन सेट होगा जिसकी वजह से वो दूसरे सब यूनिट के साथ लिंक हो जाएगा सो अब ये जो कनेक्शन है दोनों कोडोन और एंटीकोडोन का ये इधर सीक्वेंस जो है फॉर्म कर देगी इसके बाद नेक्स्ट टी आर एन ए आएगा सिमिलर प्रोसेस के साथ सिमिलर तरीके के साथ वैसे ही यहाँ पे भी कनेक्शन होगा कोडोन और एंटी कोडोन का अब जो सीक्वेंस बनता जा रहा है देख आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में लिंक्ड होते जा रहे हैं सो so, ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बोन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती जाती है जैसे जैसे नए कोडोन्स एंटर होते जाते हैं राइबोसोम में सो so, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस कोर्स करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो इन पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू बनता है ट्रांस ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है इसका टर्मिनेशन uh, पॉइंट तब आता है जब स्टॉपिंग कोडोन एक कोडोन होता है जो स्टॉपिंग कोडोन कंसीडर किया जाता है उसकी एंट्री में राइबोसोम में जैसे ही उसकी एंट्री होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज जीन्स वॉट आर जीन्स सो जीन्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इन्हीटेंस जो भी पैटर्न इन्हेरिट होते हैं जनरेशन से जनरेशन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग उसका जो बेसिक यूनिट है वो जीन्स है जीन्स के थ्रू ही इनहेरिटेंस होती है ये जीन्स जो है वो क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोज़ोम डी एन ए से बनता है सो जीन्स भी बेसिकली डी एन ए से ही बनती है सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जिसके थ्रू जो ट्रेड्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं ट्रेड्स हैं जैसे पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन है बॉडी का या किसी भी पर्टिकुलर uh, कोई भी फंक्शन है उसका जो पर्टिकुलर एक ट्रेट होगा वो जीन्स के थ्रू पास ऑन होगा कि इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई जो फंक्शन है या पर्टिकुलर कोई रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है तो वो जीन्स के थ्रू पास ऑन होती है सो वी कैन सो वी कैन से दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी पर्पज नाउ वट आर द फंक्शंस ऑफ दीज जीन्स सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द जीन इज़ कि जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंडर प्रोटीन्स हैं वो जो हैं जीन्स के थ्रू कोड होते हैं जीन्स जो इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं उस अकॉर्डिंग ही प्रोटीन फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडीज में फॉर एग्जाम्पल ग्लोबिन एक जीन है ग्लोबिन कोड करता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन को जो कि हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है हमें सबको पता है कि ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सो so, ये हीमोग्लोबिन ग्लोबिन जीन के थ्रू कोड होता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं साथ ही साथ जीन्स आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो भी हमने न्यूक्लियक एसिड्स पढ़े जो कि बेसिक इंपॉर्टेंस न्यूक्लियक एसिड है हमारी बॉडी के उनको भी जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं सो जीन्स वेरी जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशंस म्यूटेशंस आर द चेंजेस इन द डी एन ए जो डीएनए एन अभी हमने पढ़ा उसमें जो सीक्वेंस थे नाइट्रोजन बेसिस के नाइट्रोजन बेस पेयर्स थे उनका जो सीक्वेंस था अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वहाँ पे डीएनए में ऑल्ट्रेशन होती है चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो भी जीनोटाइप या फिनोटाइप जीनो टाइप या फिनोटाइप है कि डी के बाद जो भी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो कहते हैं हम म्यूटेशंस ये कि यहाँ पे म्यूटेशन गए हैं चेंजेस आ गए हैं है। ये चेंजेस आते हैं चेंज इन दी एन ए जैसे अभी हमने बात करी कि जीन्स जो है वो डी से बनते हैं सो so, अगर डी के सीक्वेंस में अगर चेंज आता है तो वहां से जीन्स में चेंज आएगा जीन्स जो है फर्दर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सो so, अगर डी में चेंज आ रहा है जीन्स में चेंज आएगा जीन्स में चेंज आ रहा है तो प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंज आएगा तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और चेंज हो जाता है सो so ये कहते हैं हम कि म्यूटेशन का रिजल्ट कॉजिस ऑफ म्यूटेशन जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वहाँ से अगर कोई भी बेस पेयर इंसर्ट हो रहा है ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है तो वहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है ये जो एडिशन एंड डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स है ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होती है देट कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर और दैट कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर सो so, किसी भी फैक्टर से जब ये बेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे चेंजेस आएंगी पूरी प्रोसेस में दैट इज ट्रांसक्रिप्शन में भी और ट्रांसलेशन में भी सो so, सारा का सारा जो जीन मेकअप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी वजह से जो क्रोमोजोमल एबनॉमिलिटीज़ और एब्रेशन होती हैं मतलब जो क्रोमोजोम्स होंगे रिस्पॉसिबल उनमें भी चेंजेस आएंगे क्योंकि जीन सीक्वेंस चेंज हो जाएगा जीन्स जो है क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हैं तो क्रोमोजोम में भी चेंजेस आएंगे और वो क्रोमोजोम एब्नॉमोलिटीज़ कहते हैं इन क्रोमोजोमल एबनॉमिलिटीज़ की वजह से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती can be so 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 है दैट कैन बी कैंसरस और एनी अदर डिजीज और डिसऑर्डर्स दैट कैन बी अकर्ड बिकॉज ऑफ़ द सो नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ म्यूटेशन सो अमंग ऑल जो कॉमन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं सो so सबसे पहले उसमें आती है पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होती हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बेस ऑफ डी चेंज होता है सिंगल नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में है अगर वो चेंज आ रहा है उसका एडिशन या डिलीशन हो रहा है तो उससे पॉइंट म्यूटेशन कॉज होती हैं जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए फॉर्म कर रहा है आर एन प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा सो so, अगर डीएनए चेन में एक बेस पेयर दैट इज एडेनिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एडेनिन ऐड हो रहा है डीएनए चेन सीक्वेंस में और हम जैसे जानते हैं कि जो ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं हमेशा हम तीन के सेट में पढ़ते हैं और इन तीन के सेट के जो नाइट्रोजन बेस पेयर हैं इन्हें हम कोडोन कहते हैं सो so, अगर चेन में कोई भी बेस पेयर ऐड या डिलीट हो रहा है तो ये जो कोडोन रीडिंग है ये भी चेंज हो जाएगी तो जिस वजह से जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा अब यहाँ पे हम कोडोन्स पढ़ते हैं सी टी सी सी टी सी एंड सी टी सी लेकिन जब यहाँ पे एडिशन हो रही है एडनिन की या फिर रिप्लेसमेंट हो रही है एडनिन की किसी और बेस पेयर से तो कोडोन सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है अब इस डीएनए सीक्वेंस में थाइमिन की जगह एडनिन एड हो रहा है जिसकी वजह से जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है उसमें एडिनिन की जगह अलग बेस पेयर आएगा सो जो प्रो प्रोटीन फॉर्मेशन पहले हो रही थी दैट इज ग्लूटामिक वो अब नहीं होगा बल्कि उसकी जगह वलीन आएगा क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बिल्कुल चेंज हो गया है सो so नए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वलीन प्रोटीन फॉर्मेशन होगी सो दिस इज पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस पेयर की वजह से जो सिंगल बेस नॉट पेयर सिंगल बेस के वजह से जो यहाँ पे चेंजेस आए वो पॉइंट म्यूटेशन है नेक्स्ट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसमें एक एडिशन होता है बेस का डीएनए सीक्वेंस में जैसे एग्जाम्पल है जो साइटोसिन है यहाँ पे ऐड हो रहा है अब पॉइंट म्यूटेशन में वो रिप्लेस कर रहा था लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में रिप्लेस नहीं कर रहा है सिर्फ ऐड हो रहा है सीक्वेंस में उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकी का सीक्वेंस डिस्टर्ब कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसने एडिशन करके सीक्वेंस चेंज करना है और कोडोन फॉर्मेशन डिफरेंट कर देनी है जिसकी वजह से अगेन जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा अगेन प्रोटीन फॉर्मेशन जो पहले ग्लाइसिन हो रही थी इसकी जगह कोई और प्रोटीन बनेगा बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है सो एडिशन ऑफ बेस कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाउ नेक्स्ट इज मिस सेंस म्यूटेशन मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि डी एन ए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें चेंज आना जिसकी वजह से कोडोन चेंज होना अब ऐसा कोडोन बनेगा जो कि अलग अलग अमीनो एसिड्स को रीड करेगा लाइक like, डिफरेंट कोडोन्स कोर्ट्स फॉर द सेम अमीनो एसिड सो ऐसी सिचुएशन तब आती है जब न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन एग्जाम्पल यहाँ पर जो डी एन ए है उसमें चेंज आया डी एन ए से आर एन ए में चेंज आया अब आर एन ए के पास ऐसे कोडोन्स बन गए दो अमीनो एसिड हैं ल्यूसिन एल ई यू अभी आप देख सकते हैं इनका कोडोन है सी यू जी और दूसरी तरफ ल्यूसिन का कोडोन है सी यू सी सो दो कोडोन डिफरेंट कोडोन से कोडिंग फॉर द सेम अमीनो एसिड सो ये डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन है दैट इज़ मिस सेंस म्यूटेशन लास्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नॉन सेंस म्यूटेशन इस म्यूटेशन टाइप में डी एन ए सीक्वेंस इस तरह से चेंज होता है कि वो स्टॉपिंग कोडोन को ले आता है कोडोन रीडिंग इस टाइप से बन जाती है इन द एंड कि स्टॉप कोडोन आ जाता है स्टॉप कोडोन दैट इज़ यू जी कोडोन जब सीक्वेंस में आ जाता है तो उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद रुक जाती है इन बिटवीन जो नॉर्मल प्रोसेस चल रही होती है वो चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डी एन ए ये कोडोन आने की वजह से रुक जाती है और वहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस हो जाती है सो यू जी द स्टॉपिंग ऑफ द होल प्रोसेस सो दिस इज़ द नॉन सेंस म्यूटेशन सो दिज व फोर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस दो मेन म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से जो ज़्यादा चेंजेस जो हैं देखने को मिलती हैं नाउ सम मेन मेजर पॉइंट्स ऑफ द म्यूटेशन दैट इज़ सो जितने भी म्यूटेशन हमने अभी स्टडी करी उनमें से ये पता चलता है रिजल्ट और कंक्लूजन निकलता है कि जो म्यूटेशन हैं स्टार्ट होती हैं डी लेवल पे सीक्वेंस जो डीएनए का है वो चेंज होता है लेकिन इफेक्ट जो है वो प्रोटीन्स को देखना पड़ता है क्योंकि पूरा रिजल्ट जो है प्रोटीन पे बेस्ड होता है लास्ट प्रोसेस प्रोटीन फॉर्मेशन पे ही ख़त्म होती है डीएनए से स्टार्ट होती है म्यूटेशन और प्रोटीन में उसका इफेक्ट दिखता है नाउ द नेक्स्ट इज कि म्यूटेशन कैन बी सीन ऑन द प्रोटीन बेसिस एंड एज वेल एज डीएनए बेसिस लाइक म्यूटेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग टाइप्स में डीएनए के बेसिस पे और प्रोटीन के बेसिस पे बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन डीएनए सो बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑन डी एन ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन इन दोनों म्यूटेशंस में हमने देखा कि ज़्यादातर डीएनए के ऊपर ही फर्क पड़ रहा था वहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रहा था और उसकी वजह से नो डाउट प्रोटीन्स पे फर्क पड़ रहा था लेकिन इन दोनों टाइप्स को हम डीएनए के साथ ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं जबकि जो दूसरी है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मिस सेंस एंड नॉन सेंस म्यूटेशन ज़्यादा प्रोटीन्स के साथ रिलेटेड है क्योंकि एक में हमारे पास टॉपकोडोन आ जाता है जो कि आ, प्रोटीन प्रोसेस को फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है दूसरी में मिस ट्रेंस म्यूटेशन में हमारे पास एक ही कडोन डिफरेंट कडोन्स सेम अमीनो एसिड को कॉन्ट करते हैं सो so, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के साथ ये दोनों टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा लिंक्ड अप हैं सो so, इस बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द डी एंड प्रोटीन लेवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट म्यूटेशन कैन बी अकर्ड केमिकली एज वेल एज वेल एज इन्वायमेंटल फैक्टर्स के थ्रू सो so, दोनों फैक्टर्स जो हैं म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं म्यूटेशंस के पॉजिटिव एज वेल एज़ नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं अब पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास म्यूटेशंस जब होती हैं म्यूटेशन कॉजिज चेंजेस चेंजेस की वजह से वेरिएशन आती हैं और ये वेरिएशन रिजल्ट result है रिजल्टेड इन इवोल्यूशन इन वेरिएशन की वजह से जो इवोल्यूशन जो है वो अक्का करती है सो दीज म्यूटेशंस आर इम्पॉर्टेंट समवेयर वेयर इज ऑन द अदर हैंड नेगेटिव इम्पेक्ट इनका ये है कि म्यूटेशन की वजह से जो चेंजेज़ आती हैं वो एबनॉमिलिटीज़ कोज करती हैं समटाइम क्रोमोजोमल एबनॉमिलिटीज़ समटाइम अदर प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से डिजीज हो सकती है डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हार्मफुल डिजीजेज हो सकती हैं सो सो म्यूटेशन आर बेनिफिशियल एट सम पॉइंट ऑल्सो हार्मफुल एट अन अदर पॉइंट सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूटेशन सो इन टूडेज लेक्चर वी कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमने डीएनए के बारे में पढ़ा डीएनए कैसे रेप्लीकेट करता है कैसे उसके कॉपीज बनते हैं उसके बारे में पढ़ा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा उसके में उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स क्या क्या स्टेप्स हैं स्टेजेस हैं नेक्स्ट वी हैव कवर्ड जीन्स दैट व्हाट आर जीन्स and then mutations what are mutation and type of mutation so these topics are uh, uh, important as you can be asked in the paper that write about the process of protein synthesis or uh, about any process translation or replication or write about mutations that are what are mutations and type of mutation how they cause changes and uh, why these changes are beneficial as well as harmful so you may be asked in the question paper like write about these things so this is all about today's lecture in next lecture we'll come with the next new, new interesting topic tapta keli thank you so much and stay tuned